हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये टॉपिक आपके GS3 के सिलेबस का पार्ट है, द टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट। हम इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि ये रेटिफिकेशन क्या है, इससे रिलेटेड 7 केमिकल्स कौन से हैं। वी विल डिस्कस व्हाट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन पे। वी विल ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसके ऊपर हम कुछ फैक्चुअल डाटा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, इनफैक्ट 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज़ बायो एक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। रेटिफिकेशन ऑफ 7 केमिकल्स अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैज़ बीन डन बाय यूनियन कैबिनेट रिसेंटली। इसके अंदर जो सरकार है उसने अपनी पावर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ डेलीगेट किया है, राइट। फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ दीज POPs एंड रेगुलेशन ऑफ दीज POPs अंडर डोमेस्टिक रेगुलेशन एक्ट्स। 2018 में एक रेगुलेशन पास किया गया था जिसके अंतर्गत इनके यूसेज, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बैन किया गया है। ये 7 केमिकल्स फॉलोइंग हैं। वन इज क्लोरोडिकोन, हेक्साब्रोमो बायोफिनाइल, हेक्साब्रोमो डायफिनाइल ईथर, हैप्टाब्रोमो डायफिनाइल ईथर, टेट्राब्रोमो डायफिनाइल ईथर, पेंटाब्रोमो डायफिनाइल ईथर, पेंटाक्लोरो बेंजीन, हेक्साब्रोमो साइक्लोडोडेकेन, हेक्साक्लोरो बुटाडीन। सो दीज आर द 7 केमिकल्स दैट हैव बीन रेटिफाइड अंडर दिस कन्वेंशन। नेक्स्ट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। वेल, ये ओनली ऐसी कन्वेंशन है अंडर द ग्लोबल ट्रीटी है एक, जो कि प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को एंड एनवायरनमेंट को फ्रॉम POPs। इसको ओपनली साइन किया गया था 2001 में इन स्टॉकहोम स्वीडन। इट बिकेम इफेक्टिव इन द ईयर 2004। इंडिया ने रेटिफाई किया था इसको इन द ईयर 2006। इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर कुछ एनेक्सेस हैं जिसमें POPs को लिस्ट किया गया है आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च, डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन अमंग मेंबर कंट्रीज। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वी अडेप्ट टू सेफर ऑल्टरनेटिव्स एंड वी लीव POPs। वी वॉन्ट टू टारगेट एडिशनल POPs फॉर एक्शन। वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ओल्ड स्टॉक पाइल्स आर क्लीनड अप एंड इक्विपमेंट्स दैट कंटेन POPs आर ऑल्सो क्लीनड अप। वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वी वर्क टूगेदर फॉर अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स फ्री फ्यूचर। And this is basically a convention which is legally binding. Next is, this convention initially banned dirty dozen chemicals. 12 chemicals ko is convention ne ban kiya tha initially. 8 pesticides, 2 industrial chemicals aur 2 aise byproducts jo ki industrial process se release hote hain. 8 pesticides were aldrin, chlorodane, DDT. DDT is used to control malaria और अब इसके use को limit कर दिया गया है क्योंकि ये एक POP है. Dildrin, Andrin, Heptachlor, Myrex, Toxaphene. 2 industrial chemicals such as polychlorinated biophenyls and hexachlorobenzene. 2 byproducts release होते हैं industrial processes के through such as waste incineration, chemical and pesticide manufacturing एंड पल्प एंड पेपर ब्लीचिंग। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डायऑक्सिन एंड फ्यूरेंस को रिलीज़ करती हैं, विच आर POPs। नेक्स्ट इज व्हाट आर POPs। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन UNP ने दी थी इन द ईयर 1995। इट डिफाइंड इट एज दोज केमिकल सब्सटेंसेस जो परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, बायोअक्युमुलेट करते हैं फूड वेब में एंड दे पोज रिस्क of causing adverse effect to human health and environment. Basically, इस definition के accordingly, following characteristics हैं persistent organic pollutants के। One is, it persists in environment for longer duration.
they get bioaccumulated in fatty acids in living organisms. They are less soluble in water and more soluble in fatty acids. They have adverse effect on human health and environment. They have property of long range environmental transport. इसका मतलब ये है कि ये रिमोट एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें DDT पाई गई थी आर्कटिक पे. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल कि POP रिमोट एरियाज तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. दिस मेक्स देम वाइडली स्प्रेड इन द एटमोसफेयर. बायोअक्युमुलेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच देर इज एक्युमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल इन टिश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सिंगल फिश पर्टिकुलर फिश ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ओवर द टाइम टॉक्सिक की मात्रा इंक्रीज होती जा रही है. वेयर एज बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल द हायर एन एनिमल इज ऑन द फूड चेन. फूड चेन में जितनी हायर लेवल पे एनिमल होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें टॉक्सिक की मात्रा बढ़ती चली जाएगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इल इफेक्ट ऑफ POPs. परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की इल इफेक्ट्स क्या हैं? सो इट कैन कॉज कैंसर, एलर्जीज एंड हाइपर सेंसिटिविटी. इट कैन डैमेज योर सेंट्रल एंड नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, डिसऑर्डर कर सकता है इम्यून सिस्टम को. इट कैन कॉज डिस्ट्रप्शंस टू एंडोक्रीन सिस्टम, राइट, आपके हार्मोनल सिस्टम को ऑल्टर कर सकता है. इट कैन डैमेज रिप्रोडक्टिव एंड इम्यून सिस्टम ऑफ एक्सपोज इंडिविजुअल एज वेल एज देयर ऑफस्प्रिंग्स. दे कैन ऑल्सो हैव डेवलपमेंटल एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स. सोर्सेज क्या हैं POPs के? वेल, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के दो बेसिक सोर्सेज हैं. वन इज इम्प्रॉपर यूज एंड और डिस्पोजल ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स. अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल और कंबस्शन. इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा पाया गया बाय प्रोडक्ट मटीरियल. अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज डायऑक्सिन्स एंड फ्यूरेंस that contains chlorine. So significance क्या है इस ratification का? पहला significance ये है कि it helps India to demonstrate its commitment to meet international obligations with regard to environmental protection and human health. Second significance ये है कि it indicates that the government has resolved to take action on POPs by implementing control measures, develop and implement action plans for unintentional produce and intentionally produced chemical, develop inventories जिससे कि जो stockpiles हैं उनको clear करा जाए और timely review किया जाए. Thirdly and most importantly, it would enable India to assess global environment facilities, financial resources. हमें financial resources भी प्राप्त होंगी global environment facility के through under this ratification. Next is what is Global Environment Facility. It was established under Rio Summit, Rio Earth Summit in the year 1992. Its headquarters is in Washington, D.C. in USA. It is jointly managed by three organizations: UNDP, United Nations Development Program, World Bank, and United Nations Environmental Program. ये बेसिकली एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है. ये फंड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को एंड ट्रांजिशन इकोनॉमीज़ को फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड ओजोन लेयर. ये बेसिकली 5 इन्वायरमेंटल कन्वेंशन को फंड करता है. पहली है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ये तीनों ही कहलाई जाती हैं सिस्टर कन्वेंशंस ऑफ रायो समिट. इसके साथ ही साथ मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को भी ये फंड करता है. ऑल्सो GEF के अंडर कुछ डेजिग्नेटेड फोकस एरिया हैं सच एज बायोडाइवर्सिटी, climate change, international waters, ozone depletion, land degradation
एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. सो दे कैन बी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट आर दी फोकल एरियाज अंडर GEF. इंडिया इज अ मेजर प्लेयर इन GEF. इट नॉट ओनली डोनेट्स बट इज ऑल्सो अ रिसिपियंट ऑफ फंडिंग फ्रॉम GEF. पॉलिटिकली फोकल पॉइंट के अंडर इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है. वेर एज ऑपरेशन फोकल पॉइंट के अंदर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है. इंडिया, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश टुगेदर फॉर्म्स परमानेंट कंसिस्टेंसी इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ GEF. वी आर परमानेंट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ GEF. इंडिया रिसीव फंडिंग फ्रॉम GEF फॉर वर्किंग इन थ्री मेजर एरियाज विच आर बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड डिग्रेडेशन. आई होप दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.